सच्चाई ये है कि रबी के सीजन में हरियाणा और पंजाब का किसान काली दिवाली मनाने पर मजबूर हो गया, लाइनों में खड़ा रहा। डीएपी संकट के लिए षड्यंत्रकारी भाजपा सरकार जिम्मेवार है। डीएपी संकट मैन मेड डिजास्टर है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जवाब दें। और मेरा इल्जाम बड़ा सीधा है, डीएपी इसलिए उपलब्ध नहीं है कि हरियाणा और पंजाब के किसान को किसान आंदोलन में तीन कृषि विरोधी काले कानूनों का विरोध करने की साजिशन सजा बीजेपी द्वारा दी जा रही है। एक लाइन की बात, बाडड़ा भिवानी में डीएपी संकट चरम सीमा पर पहुंच गया। किसान हजारों की संख्या में थे, डीएपी थी नहीं। लगभग आधा दिन तक एसडीएम को दीवार पर खड़ा होना पड़ा और पंजाब सहित पूरे देश में आज डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा है। तीन बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा और फिर मैं उनको डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। सच्चाई यह है कि रबी के सीजन में हरियाणा और पंजाब का किसान काली दिवाली मनाने पर मजबूर हो गया, लाइनों में खड़ा रहा। डीएपी संकट के लिए षड्यंत्रकारी भाजपा सरकार जिम्मेवार है। डीएपी संकट मैन मेड डिजास्टर है। इसके तीन पहलू हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी काटी, डीएपी का इंपोर्ट काट दिया और डीएपी की बिक्री बंद कर दी। मैं अभी आपको साबित करके दिखाऊंगा। तो भाजपाई षड्यंत्र, भाजपाई कुप्रबंधन और किसान विरोधी नीतियां, ये अब जान की आफत बन गई हैं। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लाखों किसान पूरी पूरी रात कोऑपरेटिव सोसाइटीज और खाद की दुकानों के बाहर सो रहे हैं, परिवार सहित, बीवी और बच्चों सहित। और ये नजारा पिछले एक महीने से पूरे हरियाणा और पंजाब में, कहीं लाठी चार्ज हो रहा है किसानों पर, कहीं थानों में डीएपी बांटा जा रहा है, कहीं किसान को एक एक डीएपी का बैग 1350 रुपए की बजाय 1900 रुपया में दिया जा रहा है, तो कहीं ओने पोने दामों पर कीटनाशक दवाई और बीज भी जबरन तरीके से डीएपी के बैग के साथ दिया जा रहा है। कुछ उदाहरण मैं आपको चर्चा करूंगा, फिर समस्या पर लेकर आऊंगा। 26 अक्टूबर 2024 उचाना में कई दिनों से किसान लंबी लाइन पर डीएपी के लिए खड़ा था। आखिर में धैर्य टूट गया और बुरी तरह से पुलिस ने डीएपी खाद मांगने वाले किसानों को डीएपी तो दी नहीं, पर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किसान को लाठियां दी। उसी दिन नरवाना में फिर किसान धरने पर बैठा रहा। उसी दिन गुला चीका में धरना और आंदोलन हुआ, कैथल में धरना और आंदोलन हुआ। 27 अक्टूबर 2024 अगले दिन, एक दिन छोड़ के अगले दिन, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, तीनों जगह डीएपी की कमी और किसान आंदोलन के चलते डीएपी को पुलिस थानों से बांटना पड़ा। आप सबने दिखाया भी, लिखा भी, अखबार में भी छापा। 4 नवंबर 2024 पूरे सरसा शहर को बंद करना पड़ा क्योंकि डीएपी का आंदोलन किसानों द्वारा किया जा रहा था। 5 नवंबर 2024 बाडड़ा भिवानी में डीएपी संकट चरम सीमा पर पहुंच गया। किसान हजारों की संख्या में थे, डीएपी थी नहीं। लगभग आधा दिन तक एसडीएम को दीवार पर खड़ा होना पड़ा और जो सीमित डीएपी थी वो दो दो तीन तीन कट्टे करके बिकवानी पड़ी या दिलवानी पड़ी। यही हाल पंजाब का है, यही हाल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है, यही हाल राजस्थान का है। यहां तक कि 20 अक्टूबर 2024 को पूरे हिंदुस्तान के जब कृषि मंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई
तो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी ने फर्टिलाइजर और केमिकल मिनिस्टर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जेपी नड्डा जी को ये कहा और कृषि मंत्री चौहान जी को शिवराज जी को कि 25% भी उत्तर प्रदेश के किसान को डीएपी नहीं मिल रहे। ये वहां की हालत है। डीएपी संकट का असली कारण क्या है? क्योंकि सरकार ये बयान देती है, हरियाणा की सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी, क्योंकि हम तो डूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता की आवाज है, तो इसलिए हमको तो इस बात का फक्र है कि हम जनता की आवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज फिर नायब सैनी जी जब आपको कुरुक्षेत्र ले जाएंगे तो कहेंगे कि डीएपी पूरा है, कृषि मंत्री का शाम तक बयान आ जाएगा तो वो तो कहते हैं कि डीएपी पूरा है, विपक्ष कहता है कि डीएपी है नहीं, तो एक तो झूठ बोल रहा है दोनों में से, या मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी झूठ बोल रहे हैं या हम विपक्ष के साथ ही झूठ बोल रहे हैं, कोई तो झूठ बोल रहा है। डीएपी संकट का असली कारण क्या है? तो साथियों, वो कागजात आज भारत सरकार के आपके समक्ष में उजागर कर रहा। पहला कारण है मोदी सरकार द्वारा फर्टिलाइजर सब्सिडी, चौंकिए मत, 87,238 करोड़ रुपया काट दी गई, 88,000 करोड़ रुपया सब्सिडी काट दी गई फर्टिलाइजर की। दूसरी, डीएपी खाद का आयात 15,00,000 टन कम कर दिया। तीसरी, डीएपी खाद की बिक्री 17,00,000 टन कम कर दी। और चौथी, डीएपी खाद का ओपनिंग स्टॉक ही 14,00,000 टन कम है इस साल। तो डीएपी मिलेगा कैसे किसान को? अब इसको, इस षड्यंत्र को, और यह साजिश इसलिए हो रही है, इसके पीछे एक ही कारण है, यह सब 2 साल में हुआ। पिछले किसान आंदोलन 3 काले कानूनों के खिलाफ हुआ, उसका नेतृत्व हरियाणा और पंजाब ने किया, उसकी एवज में साजिश के तहत खेती को खत्म किया जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें हरियाणा, पंजाब और देश के किसान से बदला ले रही हैं, क्योंकि उन्होंने खेती के 10,00,000 करोड़ के ट्रेड को मोदी जी के चहेते मित्रों को नहीं देने दिया और उन्हें काले कानून वापस लेने पड़े। उसका एक पहलू मैंने पहले उजागर किया था, यह दूसरा पहलू। पहला बिंदु, खाद की सब्सिडी में 87,238 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। मैं ये बजट डॉक्यूमेंट्स आपको रिलीज कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं है, आपको भेज रहा हूं। 2022-23 में यहां पर खाद की सब्सिडी थी 2,51,340 करोड़। 2023-24 में खाद पे सब्सिडी कम करके कर दी 1,88,902 करोड़। ये रिवाइज है, मैंने लिख भी दिया और हाईलाइट करके आपको भेज रहा। और 2024-25 में खाद की सब्सिडी हो गई इस देश में 1,64,102 करोड़। तो 2 साल में कितनी कम हुई? 2,51,340 करोड़ से कम होकर 1,64,102 करोड़, यानी 87,238 करोड़ रुपया सब्सिडी कम हो गए। यह पहला कारण है डीएपी उपलब्ध ना होने का। दूसरा कारण, न्यूट्रिएंट सब्सिडी भी इसका एक हिस्सा, इसी का हिस्सा। व्हाट इज न्यूट्रिएंट सब्सिडी? एनपीके, डीएपी एंड एमओपी, न्यूट्रिएंट ऑफ पोटाश इज एमओपी, एनपीके आप सब समझते हैं, और डीएपी इज डाई एमोनियम फॉस्फेट। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट सब्सिडी काट दी 41,122 करोड़। तो पैसा ही नहीं है तो डीएपी कहां से आएगा? सिंपल, 22-23 में 86,122 करोड़, 23-24 में सब्सिडी 60,300 करोड़, और 24-25 में 45,000 करोड़। यानी 2 साल में, किसान आंदोलन के बाद 2 साल में न्यूट्रिएंट सब्सिडी काट दी 41,122 करोड़। तो जब पैसा नहीं होगा
आप सब जानते हैं कि 60% डीएपी हिंदुस्तान से बाहर से आयात होती है और बाकी हम बनाते हैं। तो जब आप पैसा ही नहीं देंगे तो डीएपी कहां से आएगी? तो डीएपी का संकट इसलिए है कि भारत सरकार ने फर्टिलाइजर की सब्सिडी 87,000 करोड़ काट दी। दूसरा पहलू, मैंने आपसे कहा कि ये डीएपी का स्टॉक ही नहीं रखते केंद्रीय बीजेपी सरकार, आप कहेंगे तो बिल्कुल गलत है। श्याम सिंह जी का और नायब सिंह सैनी जी का बयान आएगा कि ये जो डूम कांग्रेस है ये गलत बयान ही कर रही है, तो मैं इसलिए फिर आपके लिए रिकॉर्ड ले आया। साल 2024-25 में डीएपी का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले 14 लाख टन कम है, तो वो कहीं तो कटेगी, इसलिए डीएपी मिल नहीं रही। दो आंकड़े देखिए, 1 अक्टूबर 2023 को, पिछले साल 1 अक्टूबर को डीएपी का स्टॉक था 30 लाख टन, 1 अक्टूबर 2024 को डीएपी का स्टॉक देश में है 16 लाख टन, तो 14 लाख टन कम हो गया। तो जब स्टॉक ही नहीं है, यानी रबी 2024 की जब शुरुआत हुई इस साल, तो 14 लाख टन देश में कम डीएपी थी। भारत सरकार को यह पता था, डीएपी विदेश से आने में 1 से 1.25 महीना लगता है, परंतु अगस्त और सितंबर में भारत सरकार ने डीएपी मंगवाई नहीं। तो जब डीएपी मंगवाई नहीं, 14 लाख टन पहले से कम है, यह स्टॉक पूरा नहीं किया, तो डीएपी की कमी है, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं। तीसरा, केंद्रीय भाजपा सरकार ने जानबूझकर 15 लाख टन डीएपी का इस साल आयात ही कम किया, इंपोर्ट ही कम कर दिया। तो किसान विरोधी षड्यंत्र साफ है। अब ये आप कहेंगे तुम कहां से ला रहे हो, तो मैं फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पेपर आपको भेज रहा हूं, हाईलाइट करके ये रहा। ये डेटा क्लियरली दो बातें दिखाता है कि पिछले साल अप्रैल से सितंबर 2023 में डीएपी का जो इंपोर्ट हुआ, क्योंकि एसेंशियली डीएपी इंपोर्टेड है, तो डीएपी का जो इंपोर्ट हुआ वो कितना हुआ, 34,53,000 टन, और इस साल अप्रैल से सितंबर 2024 में डीएपी का इंपोर्ट कितना हुआ, 19,67,000 टन। तो कितना कम इंपोर्ट किया इस साल, 14,86,000 या 15 लाख टन। तो जब आप डीएपी मंगवा ही नहीं रहे, 14 लाख टन तो स्टॉक कम पड़ा है आपके पास पिछले साल से, और 15 लाख टन आपने आयात कम किया, तो कितना हो गया साहब, 29 लाख टन। जब 29 लाख टन डीएपी नहीं है आपके पास, तो किसान को कहां से मिलेगा हरियाणा और पंजाब में, यह बात कोई किसी को बता नहीं रहा। चौथा, इसीलिए किसान को अगर आप देखें भी इसी टेन्योर में, तो 17 लाख टन डीएपी कम बिकी, वो डेटा भी फॉर्चुनेटली यही उपलब्ध है। ईयर टू ईयर अप्रैल से सितंबर में 23 में कितनी बिकी और 24 में कितनी बिकी, वो मैं आपको लिख के भेज रहा हूं, तो 17 लाख टन डीएपी कम बिकी। तो जब किसान को डीएपी मिल नहीं रही, आप मंगवा नहीं रहे, आपके पास स्टॉक नहीं है, तो आपके पास स्टॉक नहीं है, आपने इंपोर्ट नहीं की, आपने सब्सिडी काट दी, तो उसको बिकेगी कहां से, उसको मिल नहीं, सिंपल। और अगेला अगर सितंबर 2024 का भी आंकड़ा देखें आप, सितंबर 2023 एंड सितंबर 2024, वो आंकड़ा अभी अवेलेबल है। सितंबर 2023 में देश में डीएपी की बिक्री हुई थी 15,19,000 टन, सितंबर 2024 में देश में डीएपी बेची 7,62,000 टन। तो एक महीने में ही आप 7,57,000 टन डीएपी कम बेच रहे हैं, तो डीएपी का संकट तो भैया होगा ही ना। अब इसके पीछे घाल में क्या सच्चाई ये है कि जब से काले कानून आए, तीन काले कानून, खेती विरोधी, और किसान ने उनका विरोध किया, अब ये निर्णय है कि किसान से बदला लेना, और उस साजिश के तहत ना धान की फसल खरीदी गई खरीफ में,
और अब ना रबी में डीएपी अवेलेबल, क्योंकि सब्सिडी काट दी, स्टॉक नहीं मंगवाया, इंपोर्ट नहीं किया, बिक्री नहीं की, तो डीएपी मिली नहीं। मई 2024 में डीएपी का अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट था $510 प्रति टन, तो भारत सरकार को उस समय मंगवाना चाहिए था, क्योंकि मुझे सितंबर में चाहिए जो चीज, तो मैं मई में ऑर्डर करूंगा तो जून जुलाई अगस्त में वो आएगी। अगस्त से डीएपी की जरूरत शुरू हो जाती है उन फसलों के लिए जिन्हें हम अगेती फसलें कहते हैं, जो गेहूं है उसको अक्टूबर मिड से लेके नवंबर एंड तक चाहिए। बस नवंबर 2024 में ये रेट बढ़कर हो गया $510 से बढ़कर अब हो गया $645 प्रति टन, तो इतना ज्यादा इजाफा हो गया रेट में। तो एक तरफ आपने इंपोर्ट नहीं किया, दूसरी तरफ सब्सिडी काट दी, और तीसरी तरफ आयात नहीं किया। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं। आज के दिन इंपोर्टेड डीएपी अलोंग विद हैंडलिंग एंड बैगेज चार्जेस पड़ती है ₹57,000 प्रति टन, भारत सरकार उसे सब्सिडाइज करती है, पर उनकी सब्सिडी कितनी है वो देखिए, वो कमाल है, वो है ₹21,676 प्रति टन। अब बोले अच्छा महंगा हो गया तो 3500 और दे देंगे उसमें, तो हो गया ₹25,176 प्रति टन, तो कीमत है ₹57,000 लैंडेड कॉस्ट, सब्सिडी है ₹25,000, तो क्यों मंगवाएगा कोई? अपने घर से पैसे देके ₹1,350 का बैग कौन बेचेगा? कोई करेगा ऐसा? ऐसा नहीं करेगा, कौन कर सकता? भारत सरकार वो कर नहीं रहे, वो कह रहे भैया हम तो ₹25,000 की सब्सिडी देंगे, कीमत ₹57,000 है, तुम्हें लेनी हो लो, ना लेनी हो ना ले, इसलिए डीएपी नहीं है। सिंपल, दिस इज द एक्चुअल रीजन, ये मैंने आपके लिए निकाल के दिया। हरियाणा में एक और झूठ है, ये तो है टोटल डीएपी सिनेरियो। हरियाणा में डीएपी की जरूरत है, और ये उन्हीं के दो प्रेस रिलीज लाया हूं मैं पिछले दो दिन के, वो पकड़े गए। हरियाणा में 4,35,000 टन डीएपी की जरूरत है, और सरकार गुमराह करने में लगी है, लोग डंडे खा रहे हैं या लाइनों में पड़े हैं, पूरी पूरी रात सो रहे हैं, आज के अखबार में भी फोटो है, लोगों ने पूरी रात सोकर काटी लाइन में। मैं कहां से ये लेकर आया आंकड़ा? ये सरकार के आंकड़े हैं जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, हरियाणा सरकार के, अब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के भी। रबी 2024 में हरियाणा सरकार ने ये कहा कि 25 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं की खेती होगी, आपको भी प्रेस रिलीज में लिख के दिया है। एक हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होते हैं, सिंपल फॉर्मूला, 2.5 से गुना करते हैं, पर मैं एग्जैक्ट से करूंगा 2.471, तो ये बने 61,77,500 एकड़ या 62 लाख एकड़ मान लीजिए। तो 62 लाख एकड़ में गेहूं की खेती होने वाली है जो इस समय लगाई जा रही है। 10 लाख हेक्टेयर में सरसों, तारामीरा और आलू लगेगा, यह भी हरियाणा सरकार का डेटा है, मेरा नहीं। 10 लाख हेक्टेयर का मतलब है 25 लाख एकड़, मैंने फॉर्मूला लिख के मल्टीप्लाई करके आपको मैं दे रहा हूं। तो 62 लाख एकड़ में गेहूं और 25 लाख एकड़ में सरसों, तारामीरा और आलू इत्यादि, यानी कुल हो गया 87 लाख एकड़। गेहूं में एक किले में, एक एकड़ में एक बैग डीएपी का डलता है, आलू वगैरह में 3-4 भी डल जाते हैं, पर आप एक ही मानिए। तो 87 लाख एकड़ में 87,50,000 का डीएपी के बैग चाहिए, ये बनता है 4,35,000 टन। ये मान लीजिए के इनमें से भी 50,000, 60,000, 70,000 एकड़ में कोई वो कहेंगे मैं तो डीएपी डालूंगा ही नहीं, खेती खराब हो जाए, तो भी 4 लाख टन चाहिए। अब
हरियाणा में अब तक सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, सितंबर में 2022 में डीएपी की खपत हुई 90,348 टन, सितंबर 2024 में सॉरी 75,396 टन, और अक्टूबर में 109,767 टन, यानी लगभग 1,85,000 टन हुई है अब तक। चाहिए 4,35,000, तो भैया 2.5 लाख नवंबर के बाकी दिनों में कैसे लाओगे और कहां से बेचोगे? और अगर आप एक साल सितंबर 2022 का अगर यही डेटा देखो तो 2,32,000 टन बिकी थी, आपने तो 22 से भी कम कर दी सेल। मैंने ये भी हरियाणा का आंकड़ा लाया, मैं आपको एक चार्ट भेज रहा हूं ताकि आप, सुनने में कई बार कंफ्यूजिंग लगता है। सितंबर 2022 में जो हरियाणा जो डीएपी की खपत हुई वो है 2,32,000 टन, अब हुई है 1,85,000, तो ये दिखा रही है कि 50-60,000 टन तो वैसे ही कम दे रहे हैं वो, और 2.5 लाख टन और चाहिए नवंबर नवंबर में, वो कहां से आएगी? वो तो खुद ही ये कह रहे हैं कि 1 लाख टन और मिलेगी हमें, ये तो उनका प्रेस रिलीज है हरियाणा सरकार का, ये रहा, वो ये कह रहे हैं कि हमें तो 1 लाख टन और मिल सकती है। तो अगर आपको मिलेगी 1 लाख और चाहिए 2.5 लाख तो भैया अपने आप ही कमी हो गई, ये झूठ है जो वो गरगला रहे हैं। तो आप अगर पूरा हिंदुस्तान देखें तो पूरे हिंदुस्तान में सीधी बात है, नंबर एक 87,000 करोड़ सब्सिडी काट दी, नंबर दो अगर आप देखें तो ओपनिंग स्टॉक डीएपी का 14 लाख टन कम हो गया, नंबर तीन डीएपी का जो आयात है वो 15 लाख टन कम हो गया, तो लगभग 29 से 30 लाख टन डीएपी तो यहीं कम हो गया, तो डीएपी उपलब्ध है ही नहीं, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान का किसान, हरियाणा और पंजाब का किसान त्राही माम, और हरियाणा में 4,35,000 टन डीएपी चाहिए, उपलब्ध जो है अब तक वो 1,85,000 टन हुआ, बाकी 2.5 लाख आ ही नहीं सकता, हरियाणा सरकार भी मानती है कि है नहीं। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गण इसका जवाब कब देंगे और ये डीएपी कब मंगवाएंगे, और हरियाणा और पंजाब और हिंदुस्तान के किसान को ये डीएपी कब मिलेगा, क्योंकि प्रांतीय सरकारों के कुछ हाथ में नहीं है, ये तो दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार ने देनी है, ये नहीं है कि आप सिरसा जिले में या कैथल में या जींद में इसे पैदा कर लेंगे, इसके बगैर खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो उपज नहीं होगी, उपज नहीं होगी तो उत्पादन गिर जाएगा, उत्पादन गिर जाएगा तो किसान मरेगा, ये बड़ा सीधी सी बात है। तो हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जवाब दें, और मेरा इल्जाम बड़ा सीधा है, डीएपी इसलिए उपलब्ध नहीं है कि हरियाणा और पंजाब के किसान को किसान आंदोलन में 3 कृषि विरोधी काले कानूनों का विरोध करने की साजिशन सजा बीजेपी द्वारा दी जा रही है। एक लाइन की बात। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।